महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां रेल की पटरी पर प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया। औरंगाबाद के जलाना रेलवे लाइन के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें 15 मजदूरों की मौत हो गई है और जबकि कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और अपने घर पैदल ही जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेल मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। रेल मंत्रालय ने बताया कि घटना बदनापुर और करनाड स्टेशन के बीच की है। ये इलाका रेलवे के परभड़ी मनमाड़ सेक्शन में आता है। शुक्रवार तड़के मजदूर रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे। मालगाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें देख लिया था, बचाने की कोशिश भी की पर हादसा हो गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक मजदूरों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। भारतीय रेलवे की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जिन मजदूरों की मौत हुई है वो सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और महाराष्ट्र के जलाना में SRG कंपनी में कार्यरत थे। 5 मई को इन सभी मजदूरों ने जलाना से अपना सफर शुरू किया। पहले ये सभी सड़कों के रास्ते आ रहे थे, लेकिन औरंगाबाद के पास आते हुए इन्होंने रेलवे ट्रैक के साथ चलना शुरू किया था। करीब 36 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद जब सभी मजदूर थक गए थे तो ट्रैक के पास ही आराम करने के लिए लेट गए और वहीं पर सो गए। इसमें से 16 लोग ट्रैक पर सोए थे, 2 बराबर में और बाकी 3 लोग कुछ दूरी पर सोए थे। इन्हीं में से 16 की मौत हो गई है और बाकी 5 जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि 24 मार्च को जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो लाखों की संख्या में मजदूर फंस गए थे। उसके बाद कई मजदूर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपने घर के लिए रवाना हुए थे। बीते दिनों राज्य और केंद्र की ओर से बस ट्रेन की व्यवस्था की गई है, लेकिन मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि नंबर आने में ही लंबा वक्त लग रहा है। न्यूज़ डेस्क।